हेलो दोस्तों, राजस्थान में चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, इसलिए बीजेपी ने पीएम मोदी की सभाएं कराने का प्लान बनाया है और पहली सभा उदयपुर में रखी गई, जहां उन्होंने बयान दिया उस पर अब सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी को ही घेर लिया है। उदयपुर में पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस ने कई आपत्ति जताते हुए सवाल खड़े किए हैं। दरअसल उदयपुर की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कन्हैया लाल मामले का जिक्र करते हुए कहा था, राजस्थान में आतंकियों का समर्थन करने वाले सरकार है। और पीएम के इस बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार किया है और राजस्थान के सीएम ने कहा, या तो पीएम मोदी को गुमराह किया जा रहा है या ठीक से समझाया नहीं गया है। मोदी को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए जिससे राज्य में माहौल खराब हो। जिस तरह से पीएम मोदी बोले हैं वो स्वीकार्य नहीं है, देश के हित में भी नहीं है और हमारी कोई नीची लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है और ये वहीं तक ही सीमित रहनी चाहिए। और गहलोत ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा, कन्हैया लाल की जान लेने वाले लोग बीजेपी के थे, शायद इस मामले में पीएम मोदी को सही से समझाया नहीं गया है। जिन लोगों ने कन्हैया की जान ली उन्हें पुलिस ने घटना से 4-5 दिन पहले पकड़ा था, मगर बीजेपी नेताओं ने उन्हें थाने से छुड़ा लिया। और गहलोत ने सवाल उठाते हुए कहा, घटना की रात ही एनआईए ने हमसे केस ले लिया और हमने इसका कोई विरोध नहीं किया, लेकिन एक साल बाद जांच कहां पहुंची इसका किसी को नहीं पता।